सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एस इनहिबिटर्स. सो बच्चों रिवाइज कर लो, एस इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं. वी हैव टैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल एंड फोसिनोप्रिल. ठीक है, दीज आर कॉमनली यूज एस इनहिबिटर्स. सो भाई फूड का क्या इफेक्ट है आपके इन एस इनहिबिटर्स के ऊपर. तो रिमेंबर के जी फूड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगी सिर्फ और सिर्फ कैप्टोप्रिल की. और यू नो कि कैप्टोप्रिल आपके पास क्या है, दिस इज़ बेसिकली एन एक्टिव ड्रग. ठीक है, कैप्टोप्रिल की एब्जॉर्प्शन को फूड ने कर दिया डिक्रीज, सो यू हैव टू टेक इट. कब आपने लेना है, ये नहीं कि खाने के साथ ले लो, एम्प्टी स्टमक इसको लेना. ठीक है, इसके अलावा जी फूड का कोई इफेक्ट नहीं है रेस्ट ऑफ द ड्रग्स पे, दे विल बी एडिक्वेटली एब्जॉर्ब. सो जी जस्ट और जस्ट इधर आपके पास जो एक्सेप्शन आ रही है वो कैप्टोप्रिल की आ रही है. सेम इज़ द क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू पे, कौन सी ड्रग है दैट इज़ गेट अफेक्टेड बाय द फूड. सो आंसर इज़ कैप्टोप्रिल. अच्छा भाई अब बात कर लेते हैं एस इनहिबिटर्स की. मैंने अभी आइडिया दे दिया है कि कैप्टोप्रिल आपके पास एक एक्टिव ड्रग है. सो रेस्ट ऑफ द ड्रग्स एक्सेप्ट द कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड इनालाप्रिल, इन दोनों ड्रग्स के अलावा रेस्ट ऑफ द ड्रग्स आर द प्रो ड्रग्स जो लिवर में जाएंगी. लिवर में जाके इन ड्रग्स की हाइड्रोलिसिस होगी, वहाँ लिवर के एंजाइम्स इनके हाइड्रोलिसिस करेंगे, नाउ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग्स. जबकि मैं कैप्टोप्रिल इनालाप्रिल की बात करूँ, दे आर ऑलरेडी एक्टिव, दीज आर द एक्टिव मेटाबोलाइट्स. ठीक है, दीज आर एक्टिव वंस. सो इनालाप्रिल इज़ द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द इनालाप्रिल मैलिएट. अब आ जाओ जी, फूड को डिस्कस कर लिया, अब एलिमिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं. जितनी भी आपकी ऐसे इनहिबिटर्स हैं दे विल गेट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. देयर इज़ एन एक्सेप्शन, अगेन एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन कि फोसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल इज़ एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज एंड दे आर आल्सो एक्सक्रीटेड इन फिसेस. ओके, अब प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी है, जितनी भी एक्टिव ड्रग्स हैं इनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ विल बी फ्रॉम 2 to 12 आवर्स. नाउ जितनी आपके पास एस इनहिबिटर्स हैं सब ओरली दे सकते हो, सब की सब ड्रग्स को आप ओरल दे सकते हो. इधर एक एक्सेप्शन अगेन आपके पास आ गई इनालाप्रिल की. अगर इनालाप्रिल ओरली इफेक्टिव नहीं है तो डोंट वरी, यू हैव दी आईवी फॉर्म अवेलेबल इन द मार्केट, आप आईवी दे दें. फॉर एग्जांपल आईवी किस में दे दें, पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगेन डिस्कस कर चुके हैं, हाइपरटेंशन में दे दें. हाइपरटेंशन में आप पहले ओरल ट्राई कर लें. अच्छा, डोज के ऊपर बाद में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के डोज आपने भी कैसे बढ़ानी है. ठीक है, फिलहाल जी डोज टाइटरेशन के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे जी. इनिशियली आप कितनी डोज दोगे, 2.5 to 5 मिलीग्राम पर ओरल, पीओ मीन्स पर ओरल एवरीडे. ओके, मेंटेनेंस डोज ओरल की कितनी होगी, दैट विल बी 10 to 40 मिलीग्राम पर डे. ठीक है, पर ओरल, ये भी ओरल है ना, पीओ पर ओरल क्यू एवरी डे. एक दिन में 10 to 40 मिलीग्राम्स आप दे सकते हो, अदरवाइज इसी डोज को यू कैन डिवाइड, आप डिवाइड करके 12 घंटे के बाद दे दो, दो दफ़ा दे दो. अच्छा, अगर जी मैं बात करूँ कि ओरल इज़ नॉट अफेक्टिव, नाउ मूव टूवर्ड्स दी आईवी ऑफ दी इनालाप्रिल. आईवी कैसे देनी है भाई, 12.5 मिलीग्राम की डोज देनी है आपने ओवर द पीरियड ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर. ठीक है, ओवर 5 मिनट, 5 मिनट्स तक इसका ड्यूरेशन रहेगा इंजेक्ट करने का, एवरी 5 आवर, हर 5 घंटे बाद. ओके, अब जी डोज कितनी इंक्रीज़ कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज इट अप टू 5 मिलीग्राम. 5 मिलीग्राम दोगे, कब दोगे, वही आईवी आफ्टर एवरी 6 आवर्स. क्लियर, सो दिस वाज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द इनालाप्रिल. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एस इनहिबिटर्स.